बात करें यहाँ से अगर सरसों की, तो सरसों में ये खबरें निकल के सामने आ रही कि अब सरसों की जो दैनिक मांग है उसके मुकाबले दैनिक आवक मंडियों की अगर औसतन ली जाए, दैनिक औसतक औसतन मांग और दैनिक औसतन आवक, तो उन दोनों में काफ़ी अंतर है। यानी कि डिमांड और सप्लाई काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के अंदर, काफ़ी ज़्यादा अंतर है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, जिसकी वजह से हम सरसों दाने की कीमतों में लगातार तेज़ी देख रहे हैं। और अब ज़्यादातर जो किसान अपनी सरसों किसानों को बेच ही चुके हैं, जो थोड़ा बहुत स्टॉक पड़ा है वो किसानों के ही पास है, जो कि अभी इस समय अपनी सरसों को बेचने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। किसानों को पता है कि अभी सरसों की बुआई देरी से हुई है, नई फसल नई आवकें होने में एक महीने की देरी होगी, और जब आएगी तब भी वो धीरे धीरे कर कर ही अपनी पुरानी सरसों लेकर आएंगे, क्योंकि नई सरसों में नमी होगी तो पुरानी की पूछ परख ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से पुरानी में ज़्यादा दाम मिलेंगे। तो किसानों ने स्ट्रेटजी बना ली है, किसान सरसों की कीमतों में तेज़ी लाने के लिए तैयार हैं, और उनको ऐसी आशा है कि जो दाम है उनको इस बार और भी ज़्यादा अच्छा मिलता हुआ नज़र आ सकता है। तो ओवरऑल रुझान जो सरसों में रहेगा आने वाले दिनों में भी, वो तेज़ी का ही रहेगा। अगर सरसों के ऊपर कोई फैसला भी आता है तब भी सरसों की कीमतों में तेज़ी ही रहेगी, क्योंकि सरकार के पास तो स्टॉक है नहीं, क्योंकि सरकार ने खुद ही ऊंची कीमतों के चलते सरसों दाना का स्टॉक नहीं किया था, जबकि किसानों ने दरख्वास्त करी थी सरकार से, रिक्वेस्ट करी थी कि सरकार वक्त रहते सरसों की बुआई के लिए बीजों का इंतज़ाम पहले ही कर ले, जिससे कि उनको भी बुआई के समय सोयाबीन वाला हाल ना देखना पड़े। लेकिन ऊंची कीमतें थी, सरकार ने खुद ही बुआई के लिए स्टॉक नहीं बनाया, तो किसान भी भलाई क्या करते, उन्होंने भी अपनी सरसों को स्टॉक करके रख लिया, क्योंकि किसानों के पास दूसरा और कोई चारा भी नहीं था। तो देखा जाए तो किसान भी अपनी जगह सही है, किसान भी गलत नहीं है, किसानों को अपनी लागत भी निकालनी है, आगे की बुआई के लिए बीज भी बचा के रखने हैं। तो ओवरऑल रुझान जो रहेगा सरसों में वो अभी हाल फिलहाल में तेज़ी का ही रहेगा, और ऊपर से जैसे भी सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों में सरसों तेल की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, तो सरसों में की कीमतों में आगे तेज़ी ही देखने को मिलती रहेगी, अभी जानकार हाल फिलहाल में ऐसा बता रहे हैं।